देवगन आर माधवन और ज्योतिका द्वारा स्टार फिल्म शैतान को कर दिया गया है सिनेमाघरों के अंदर रिलीज। तो कैसी है ये फिल्म, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फिल्म के फर्स्ट हाफ से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट हाफ का बिल्डअप काफी अच्छा था। जब वो आर माधवन का कैरेक्टर आता है तो उसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो क्यों आया है और क्या चाहता है अजय देवगन की फैमिली से और वो ऐसा कर क्यों रहा है, जिसके बारे में हमें सेकंड हाफ में पता भी चलता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी बढ़िया है, लेकिन गड़बड़ हुई इस फिल्म के सेकंड हाफ में। जहाँ पर फिल्म के सेकंड हाफ में मैं पर्सनली बोर हो गया, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो, जिसका की कारण है कि इस फिल्म के अंदर ज्यादा लोकेशंस नहीं है। आमतौर पर ज्यादातर फिल्म में काफी ज्यादा लोकेशंस पर शूट होती हैं, लेकिन ये फिल्म मेनली उस घर के ही अंदर शूट हुई है। और भी लोकेशंस हैं फिल्म के अंदर, लेकिन मेनली शूट घर के ही अंदर हुआ है। और अगर हम इस फिल्म के क्लाइमेक्स की बात करें तो शैतान फिल्म का क्लाइमेक्स मुझे इस साल की अभी तक रिलीज हुई फिल्मों से काफी बेटर लगा। और अगर हम एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो अजय देवगन और ज्योतिका ने काफी अच्छा काम किया है। साथ ही में जानकी बॉडी वाला का भी काम काफी अच्छा था। लेकिन इस फिल्म के अंदर सबसे बढ़िया काम किया है आर माधवन ने, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उनकी। ऐसा लगता है कि ये रोल उन्हीं के लिए ही था। और एक चीज रह गई है, वो है इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि काफी सॉलिड था और डरावनी वाइब्स दे रहा था। थोड़ा डर भी लगा लेकिन ठीक है, ओवरऑल फिल्म काफी बढ़िया है। हाँ, थोड़े ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन फिर भी ये फिल्म एक वन टाइम वॉच फिल्म तो जरूर से है। मैं दूंगा शैतान फिल्म को 5 आउट ऑफ 3 स्टार। और हाँ, इस फिल्म को एक बार तो जरूर देखना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।